आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की फेमस डिश गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लीजिए, उसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डालिए। अब कद्दूकस की हुई गाजर डालिए और अच्छे से गाजर को मिक्स कीजिए, नहीं तो आपकी गाजर लग जाएंगी। और आपको गैस का फ्लेम लो रखना है। जब आपकी गाजर अच्छे से रंग बदल दे तो उसमें आप मिल्क ऐड कीजिए। मिल्क की क्वांटिटी आपकी डबल होनी चाहिए गाजर से। अब इसे आप लगातार घुमाते रहें। इसमें 3 से 4 इलायची डालिए अच्छी खुशबू के लिए। मैंने इसमें कुछ केसर के धागे डाले हैं जो अच्छा रंग लेकर आए। इसे हम कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है। बीच बीच में आप चेक करते रहिए। और लगातार चलाते रहें। गाजर का हलवा एक ऐसी डिश है जो बहुत ही लो फ्लेम पे बनती है और बहुत ही टाइम लेती है, लेकिन जब बन जाती है उसके बाद इसका स्वाद और मज़ा दुगना हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने शुगर ऐड की है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने खोया इस्तेमाल किया है, आप खोए के क्यूब्स डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसे आप कद्दूकस करके डालें क्योंकि वो अपने आप ही गर्म दूध में जाकर पिघल जाएगा। लगातार चलाते रहें। यहाँ कुछ किशमिश डालें अब आप, और वापस से इसे कवर कर दीजिए और 5 से 10 मिनट के बाद इसे चेक कीजिए। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक दूध बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, बिल्कुल रिड्यूस ना हो जाए और ये पूरा गाढ़ा ना हो जाए। घी ऊपर आ चुका है, भी काफ़ी हद तक 95% ख़त्म हो चुका है। तो अब हम रेडी करेंगे ड्राई फ्रूट का एक तड़का जो हम गाजर के हलवे पे ऊपर से डालेंगे। तब तक इसे हम धीरे धीरे पकने देते हैं। यहाँ पर मैंने पैन लिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी लिया है। इसे गरम कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर अपने पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम काजू लिए हैं। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हलवे के साथ सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन जाता है वो काजू बादाम और किशमिश का ही जाता है। अच्छे से इसे रोस्ट कर लीजिए, आपको बर्न नहीं करना है, लो फ्लेम पे बस इसे भूनना है। अब देसी घी और ड्राई फ्रूट को आप ऊपर से डालिए, इसका टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगा और आपने जो इतनी मेहनत की है हलवे के लिए वो आपको मज़ा देने वाली है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया है जो खुशबू को बहुत अच्छा कर देगा। ऊपर से मैंने थोड़े से पिस्ता डाल दिए हैं। जी लीजिए, आपका हलवा बनकर तैयार है। प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ 2 प्लेटिंग की है। आपको जो मन करे, जो अच्छा लगे, जो कंफर्टेबल हो, आप वैसे ही प्लेटिंग कर सकते हैं। ऊपर से मैंने खोए को कद्दूकस कर लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट सजा दिए हैं। लीजिए, आपका हलवा तैयार है। इंजॉय करें अपना हलवा। हैप्पी विंटर्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक एंड कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।
बाय बाय।